नमस्कार दोस्तों, महावीर का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र है दोस्तों, मैं वट सावित्री का व्रत का महत्व बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी कोई तंत्र मन से वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। हर साल वट सावित्री का व्रत जेठ माह के कृष्णा पक्ष की अमावस्या तिथि मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस साल व्रत सावित्री 30 मई 2022 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सोमवार अमावस्या और शनि जयंती का संयोग बना हुआ है, इसीलिए जयोति के अनुसार इस दिन का महत्व बढ़ गया है। आइए हम जानते हैं पूजा विधि विधान से कैसे करना चाहिए। तो वट सावित्री का पंखा, धूप दीपक, घी बत्ती, लाल और पीले रंग का कलावा या सूत, पुष्प फल, सुहागन का सामान, कुमकुम रोरी, लाल रंग का वस्त्र, पूजन बिछाने के लिए पूरियां, पूजा के लिए सेंदूर, गुल्ले, चना, बरगद का फल, कलसा, जल भरा हुआ। तो दोस्तों इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों मैं संक्षेप में इसकी कुछ कथे के रूप में मैं बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस व्रत में बरगद का पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में बरगद का पेड़ को बेहद पूजनीय माना जाता है। बरगद का पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर वापस ले आई थी, इसीलिए व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंडी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप किसी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं ये सोमवारी अमावस्या पर पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं तो इस उपाय को भी आजमा के देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो लंबी आयु के लिए सोमवारी अमावस्या शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र या जनाव चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है और इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। वहीं सोमवारी अमावस्या तिल चढ़ाने से आपको पापों को नाश भी हो जाता है। तो दोस्तों इस उपाय सोमवारी अमावस्या जहिया वट सावित्री है, जहिया आप शिवलिंग पर चढ़ाने से पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। तो दोस्तों इस मंत्र में आपको जाप करना है। इस व्रत में मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं या पंडित जी से आप कथा सुन सकते हैं या मंत्रों पंडित जी आपको बताएंगे। तो मंत्र इस प्रकार का है, ओम सूर्याय विद्महे महाका धीमहि तनो यम पचोदयाल। तो दोस्तों इस मंत्र का आप जाप करते हुए वट सावित्री को ध्यान करते हुए अपना पति के लंबी आयु के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी शुभ मुहूर्त आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 29 मई 2022 को शाम 2:55 से आरंभ अमावस्या तिथि समाप्ति 30 मई 2022 को 22 को शाम 4:49 तक समाप्त रहेगी। तो दोस्तों 30 मई को आप वट सावित्री का पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें, आपके पति की लंबी आयु के लिए धन्यवाद।